नरेंद्र मोदी जी लगातार महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे थे, चाहे वह बैंक में खाता खोलने का विषय हो, तो वो 50 करोड़ से अधिक अगर बैंक में खाते हैं तो उसमें 60% से अधिक हमारी मातृशक्ति के खाते हैं। समूह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए खजाने का मुंह खोल करके रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 90% आवास लगभग ये महिलाओं के नाम से दिए जा रहे हैं। अब महिला आरक्षण बिल जो लटकाना भटकाना टरकाना जो कांग्रेस की संस्कृति रही है, उससे बाहर ला करके नए संसद भवन में गणेश चतुर्थी के दिन नए संसद भवन में आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी सांसद गण वहां अंदर सत्र का प्रारंभ होगा उसकी बधाई देता हूं, और नए संसद भवन में महिला सशक्तिकरण की दिशा में उनकी राजनीतिक भागीदारी संसद और विधानसभाओं में भी हो, इसका बिल आया है, कल उसकी संभावना चर्चा की है, उस पर उसके बाद बोला जाएगा, लेकिन यह बहुत बड़ा कदम। सोनिया गांधी जी का बिल अगर उनको लाना होता तो 10 साल सरकार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी को कठपुतली की तरह नचाया है श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी, और उनसे नहीं करवाया है। तो अब ले श्रेय, हमको श्रेय लेने से मतलब नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य महिला सशक्तिकरण। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।